नेक्स्ट ऑडिशन कमिंग। प्रीतम प्रीतम सुनील कांबले क्रिकेटर भी होते थे विनोद कांबले। तो कहाँ से? महाराष्ट्र से होंगे आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जगह से? पुणे से। पुणे में आदि पहुँचों में। अच्छा लेकिन मैं प्रॉपर हूँ गाँव से आप से उधर मेरा छोटा गाँव है मालीनगर। अच्छा तो ये कौन सी जगह पड़ता है? ये पुणे से पुणे से मतलब मतलब पुणे से 200 किलोमीटर पड़ता है। तो यानी सर भी 200 किलोमीटर। आपके महाराष्ट्र से हमारी एक फीमेल रेसलर भी है हाँ जिसका नाम है वैशाली अहिरे। रेसलिंग में उसका नाम है ब्लैक जैगुआर। कुश्ती से मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती करती है वो। और उसके अलावा FFW चैम्पियन है। काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र। अच्छा आप ये बताइए कि आपने इसमें लिखा है कि आप 3rd and black belt हैं ताइक्वांडो से। MMA फाइटर भी रह चुके हैं। MMA जो अभी ये SFL वगैरह ये सब आता है उसकी ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड कराते हैं बच्चों और भी कराते हैं। खुद भी किए हुए हैं अभी भी कर रहा हूँ और बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। तो वो तो बहुत अच्छी लाइन है और बहुत लोग उसमें UFC में आगे जाके चलते हैं। तो आप रेसलिंग के अंदर क्यों आना चाहते हैं? कि एक पर्टिकुलर कोई रीज़न है या कुछ? नहीं उसका मतलब कैसा है बचपन से मुझे रेसलिंग का शौक था। सबको होता है वो तो सबको ही होता है। बनने वाला होता है उसको होता है। इंडिया में बेसिकली सबको रेसलिंग का शौक भी है देखने का भी शौक है करने का भी। लेकिन इधर कोई मतलब जैसे एकेडमी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। स्कोप नहीं है उनके पास उस चीज का भी। बाहर चले तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लड़ने का तो शौक था बचपन से। मेरे पिताजी भी लड़ाई होते कुछ के पास थे। तो मैं बचपन से क्या करता था कि हमारे गाँव में टीचर थे कराटे के तो उनसे पास के मैं जाके सीखता था कराटे। कराटे से मतलब 3rd and degree भी ऐसा लगा कि यार 3rd and degree के लिए कुछ हो नहीं रहा मतलब जितना चाहिए उतना मिला नहीं। ताइक्वांडो ज्वाइन किया। हाँ कराटे में मैं 1 time national ताइक्वांडो में 2 time national। क्या बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट। बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट। कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन से मिलते हैं ना अचीवमेंट्स मिलती है बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अच्छा लगता है कि मतलब स्पोर्ट्स इंडिया में है और लोग खेल भी रहे हैं प्लेटफॉर्म है ना। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में एक मैं पर्टिकुलर ना मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कि रेसलिंग में ही क्यों आना चाह रहे हो? बचपन से रेसलिंग का ही शौक था क्योंकि रेसलिंग को देखते ही हम बड़े हुए। तो यानी कि आप अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं? शौक मतलब फैशन क्रेज है रेसलिंग का। और ऐसा वैसा नहीं कि उसके लिए मरना। मेरा राइट एक ही रूल है कि बाबा मुझे मतलब मौत पे आएगा तो रेसलिंग की स्टेज पे आएगा। मतलब बोलने के लिए या टीवी पे आने के लिए या मतलब यूट्यूब पे आने के लिए नहीं बोला अंदर से। और मेरा जो फ्रेंड था योगेश उसके साथ भी मेरा अटैचमेंट जो फीमेल फ्रेंड बोलते हैं उसके साथ भी मेरी जो फ्रेंडशिप है इसकी वजह से ना कि दूसरा कोई कारण नहीं आया सिर्फ इसके कारण है। गाँव में भी हम इसी कारण मिले कि हम WWE में जाएंगे। लेकिन वो 7 feet टॉल है तो सब बोलते थे यार वो तो जा सकता है लेकिन तू 6 feet है तेरा कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने दम पे ये सब अचीवमेंट किया। देखो ये अचीवमेंट आपने किया है ना ये तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी देगा। और FFW एक ऐसी कंपनी है भारत की आपको पता होगा पहली रेसलिंग कंपनी है। और FFW ऑलवेज हिस्ट्री मेक करते हैं। मैं एक मोटी सी इनकी बात का जवाब देता हूँ। अभी इन्होंने एक बात बोली कि आपका फ्रेंड 7 feet है तो आपने सोचा कि वो जा सकता है। वही बोलने वाला था। बचपन से क्या हो रहा था कि गांव की मेंटेलिटी कैसे रहती है तो बहुत बड़ा है। नहीं मैं वो जा सकता है आपको क्लियर कर देता हूँ। और आपको नहीं मैं भारत देश की हर जनता को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट 7 feet है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं आप रेसलिंग कर सकते हैं। रेसलिंग जो है ना वो ब्लड के अंदर होती है। रेसलिंग कोई ऐसे नहीं है रेसलिंग को सीखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है। आपकी हाइट कितनी है? 6 feet आपकी हाइट है तो 6 feet की हाइट वाले भी रेसलर बन सकते हैं। yeah, 5 feet की हाइट वाले भी रेसलर बन सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप WWE जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर एक स्पोर्ट्स डम होना चाहिए आप बन सकते हैं। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। एक बार देखते हैं कि हमारे सामने जो स्पोर्ट्स पर्सन बैठे हैं तो उनके अंदर में कितना स्पोर्ट्स है तो वो तो एक बार रिंग में पता चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार प्रिंस जी यहाँ पर रघु जी आप एक बार जाके देखें जरा तो प्रिंस जी क्या किस तरीके से। चलिए आपको देखते हैं रिंग में। शूज उतार लूँगा एक मिनट।
काम नहीं। कौन सा रेसलर आपका फेवरेट है? जॉन सीना था मतलब है अभी करंट में जो हमने पूछा है कौन सा रेसलर आपका फेवरेट है, कहा नहीं पूछा हमने, जॉन सीना ओके ठीक है आइए फिर अंदर आइए। तो दोस्तों अब देखना है कि प्रीतम कांबले जो जॉन सीना के फैन है वो यहाँ टिकते हैं या सीधा अपने घर जाते हैं, बातों में ही है या फिर जल्दी है। तो चलिए टाइम थोड़ा सा कम है, आप तो दो तीन चीजें अभी करके दिखा दीजिए और वही हम आपसे करवाएंगे। तो हमें लग रहा है कि आप एज अ स्पोर्ट्समैन भी कर सकते हैं, तो जैसा कि इनके कहने का मतलब है कोई कातस कोई किकिंग कुछ भी एमएमए से या मार्शल आर्ट से रिलेटेड आप जानते हैं करके बताइए शरीर हम देख लेंगे भाई मुंह थोड़ा ना टूटवाना है ये सोच लेना अगर मुंह टूटा तो आप हमारे लिए हो। अभी आपको एक और बात है कि दोनों ही खड़े हैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ओके चलिए हाँ थोड़ा सा बात कर लो बॉडी को। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कुछ भी करने से पहले जो है ना वार्म अप बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी कई बार ये छोटी छोटी चीजें ना साथ में रहती है वार्म अप तो बहुत जरूरी चीज है और बिना वार्म अप के तो मैं कहूँगा कोई भी वर्कआउट नहीं करता है। ट्रेनर है तो कोई ट्रेनर को तो अच्छी से ज्ञान हो जाएगी। चलिए प्रीतम जी नमस्कार आप साउंड नहीं दो चलेगा ये अपना स्टाइल है लेकिन आप
सिंपल भी करो, सीख जाओगे तो आपका अपना स्टाइल बन जाएगा। चलो स्पोर्ट ही दे दो छोटे को बनाना सिर्फ। हाँ ओके ठीक है ओके। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि देखते हैं प्रीतम कांबले या कुछ करके दिखाते हैं अपने घर जाते हैं। तो फाइनली पूरे महाराष्ट्र की बहुत अच्छे से इन्होंने क्या बोलते हैं सर उसको शान 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 मान और अच्छी कर दी है। कहते हैं द ग्रेट मराठास। ये अच्छा है अपने पूरा अपने जो आपके अंदर इतने साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का वो यहाँ पे दिखा है भाई। लोग सोचते हैं कि रेसलिंग कौन रेसलर बन सकता कौन रेसलर नहीं बन सकता, तो इसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा ऑडिशन होता है, एक एक दिन दो दो दिन खींच रहे हैं लोग। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते कोयले की खान में हीरे का पता चल जाता जौहरी को, तो हमें पता है कि कौन हीरा है और कौन क्या है। हमारे सामने एग्जांपल जी है। तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये बहुत ही टैलेंटेड है और एमएमए किए हुए हैं, मार्शल आर्ट किए हुए हैं, और आने वाले समय में रेसलिंग के इतिहास के बहुत बड़ा नाम ये बनने वाले हैं। शक्ल सूरत पे मत जाइएगा, बट जो हम इनके अंदर कैलिबर देख रहे हैं वो आने वाले समय पे ये टॉप निकलेंगे। तो सलाम है आपको और मेहनत कीजिए, आने वाले समय पे ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से कैसे हैं, वो फॉर्मेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको बता देंगे। तो हमारी तरफ से तो यस, हमारी तरफ से भी यस। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, आगे बढ़िए।